उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका लगा है। बीएसपी के बागी 6 विधायकों ने सपा का दामन थाम लिया। इनके अलावा सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौर भी अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हो गए। खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में सभी 7 विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। सपा में शामिल हुए बीएसपी और बीजेपी के बागी विधायकों का अखिलेश यादव ने स्वागत किया, साथ ही उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर तंज भी कसा। सिद्दीकी साहब हैं, ये आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। दीपावली पर्व के मौके पर उत्तर प्रदेश में इस बार केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके तहत ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश था कि जिन शहरों में वायु की गुणवत्ता बेहतर स्थिति में है, वहाँ पर ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति दी जा सकती है। ग्रीन पटाखों में वायु प्रदूषण फैलाने वाले हानिकारक रसायन जैसे एल्यूमिनियम, बैरियम, पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन का इस्तेमाल नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने गोरखपुर के होटल में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा है। मनीष गुप्ता की पत्नी ने अर्जी देकर कहा है कि वे मामले में एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं हैं और सीबीआई की जांच की जानी चाहिए। पुलिस पर आरोप है कि होटल में चेकिंग के दौरान उन्होंने मनीष गुप्ता के साथ मारपीट की थी। मनीष की पत्नी ने दाखिल याचिका में मामले की जाँच को सीबीआई को ट्रांसफर किए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार के दौरान हुए सहकारी चीनी मिल बिक्री घोटाले और अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व बसपा एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार के नाम वाली देहरादून की 74 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। इससे पहले मार्च 2021 में ईडी ने इकबाल की 1097 करोड़ रुपए की 7 चीनी मिलें अटैच की थी। इकबाल पर यह भी आरोप है कि अवैध खनन से कमाई गई संपत्ति से उन्होंने कई नामी बेनामी संपत्तियां खरीदी हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिजन को 5 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस दिया जाएगा। इस योजना के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस सिलसिले में शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव श्रम की तरफ से शासनादेश जारी किया गया।